हेलो, प्रफुल्ल गोड़कर एजुकेशनल चैनल यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूरिन पेशाब के लेबोरेटरी एग्जामिनेशन परीक्षण के बारे में। जैसे आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लेबोरेटरी में करेंगे और बाद में इंटर्नशिप के दरमियान प्रैक्टिसिंग लेबोरेटरी में भी करेंगे। तो ये है आज का लेसन प्लान। एक, परिचय। दो, पेशेंट को दी गई सही सूचनाएं। तीन, यूरिन कलेक्शन को योग्य बोतल की जानकारी। चार, प्रैक्टिकल के लिए जरूरी चीज़ें। पांच, प्रैक्टिकल तीन स्तर प्रक्रिया का वर्णन, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। छः, टेस्ट रिजल्ट और रोग निदान की जानकारी। सात, सुरक्षा के बारे में जानकारी। आठ, रिपोर्ट कैसे बनती है यूरिन एग्जामिनेशन की। और नौ, परीक्षा के लिए प्रश्न। क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि लगभग हर एक पेशेंट के लिए यूरिन एग्जामिनेशन एडवाइस होता है डॉक्टर से, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है कि जो आइडिया देता है डायबिटीज के बारे में, जॉन्डिस के बारे में, जॉन्डिस के तरीके के बारे में, किडनी डिसीजेस, किडनी स्टोन्स के बारे में और टाइप्स ऑफ स्टोन्स, फिर हेरिडेटरी प्रॉब्लम जैसे कि अमीनो एसिड यूरिया, इसमें अमीनो एसिड्स यूरिन में पास होते हैं। तो चलो जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या देते हैं पेशेंट को, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गए तो फिर यूरिन का सैंपल बराबर नहीं मिल सकता है। तो इंस्ट्रक्शंस ये है। नंबर वन, पेशेंट कम से कम 8 घंटा फास्ट करना चाहिए। दो, पेशेंट सिर्फ लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स, वो जो जीवन को जरूरत है वही ड्रग्स ले, बाकी सारे ड्रग्स जिससे यूरिन को कलर आ सकता है और यूरिन टेस्ट में इंटरफेरेंस हो सकता है, ऐसे ड्रग्स न दें। तीन, यूरिन कलेक्शन का बॉटल लेबोरेटरी में से ही सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वो बॉटल एकदम बराबर तरीके का होता है। फिर पेशेंट जितना हो सके उतना रात को यूरिन पास न करे और बहुत पानी रात को पीने से अवॉइड करे। पांच, मॉर्निंग में पेशेंट मिडस्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि शुरू की जो यूरिन है वो छोड़ के बाकी सारी यूरिन कलेक्ट होनी चाहिए। और छः, यूरिन क्वांटिटी सफिशेंट चाहिए टेस्ट के लिए, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। यूरिन कलेक्शन की बोतल 300 में तो 400 ml क्षमता की होनी चाहिए। यह बोतल साफ सुथरी और सूखी होनी चाहिए। बोतल का मुंह चौड़ा होना चाहिए जिससे यूरिन जमा करने में आसानी हो। पेशेंट से यूरिन बोतल लेने के बाद तुरंत इस पर लेबल लगना चाहिए जिस पर यह जानकारी हो, पेशेंट का नाम, सैंपल का नंबर, तारीख, सैंपल का टाइप जैसे फास्टिंग, डॉक्टर का नाम, और लेबल बाटली के बाजू में चिपकाना चाहिए और कभी भी लेबल ढक्कन पर नहीं लगना चाहिए। तो चलो अब चर्चा करते हैं यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन की, और इसके लिए यह सब पॉइंट्स का जिक्र होगा। कलर, अपीयरेंस, सेडिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ओडर, रिएक्शन एंड पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके लिए यह सब चीज़ों की ज़रूरत है। मेजरिंग सिलेंडर, फनल, पीएच पेपर या लिटमस पेपर और स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर। तो प्रोसीजर ऐसी है। एक, पहले मेजरिंग सिलेंडर और फनल से यूरिन वॉल्यूम का मापन करो और रीडिंग लिखो। दो, फिर यूरिन का रंग का वर्णन लिखो, जैसे कि ये कैसे दिख रहा है, फीका पीला है, और ये कैसे दिख रहा है, तो ये बिल्कुल पीला रंग है, ऐसे रंग का वर्णन लिखो। तीन, फिर इसका वर्णन करो, जैसे कि ये साफ दिख रहा है
या टर्बिड यानी कि पंकिल दिख रहा है। चार, यूरिन के नॉर्मल गंध से आप परिचित हो, तो अगर गंध अलग आ रहा है तो उसका जो अलग गंध आपको दिख रहा है ना, महसूस आप कर रहे हैं, वो नोट करो। पाँच, फिर यूरिन एक टेबल पे एक घंटा रखने के बाद में नीचे की तरफ देखो, कुछ पंखिल द्रव्य जमा है कि नहीं। पाँच, फिर यूरिन एसिडिक है या अल्कलाइन है, ये आप लिटमस पेपर लेके उसका परीक्षण करो, नहीं तो आप जैसे बाजू में दिखाया है वैसे यूरिन स्ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। और बाद में लास्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर का वापर करके यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी का मापन करो और उसका रीडिंग अपने नोटबुक में लिखो। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मापन यूरिन स्ट्रिप से भी किया जा सकता है जैसे बाजू में दिखाया है। वैसे यूरिन स्ट्रिप यूरिन में सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक डालकर बाहर निकालकर उसे बदले हुए रंग से स्पेसिफिक ग्रेविटी का मापन मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन का महत्व क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। पहले वॉल्यूम के बारे में, सबरे जमा किए हुए पहले यूरिन का वॉल्यूम आयतन लगभग 300 ml तक होता है, 60 to 300 ml तक। 500 के ऊपर वॉल्यूम हो तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं और यह डायबिटीज मेलिटस या डायबिटीज इंसिपिडस का लक्षण है। फिर यूरिन का वॉल्यूम 20 ml से कम है तो उसे ओलिव यूरिया या एनूरिया कहते हैं, यह किडनी के बीमारी में दिखता है। अभी रंग के बारे में, नॉर्मल यूरिन का रंग फीका पीला होता है और यूरिन का पीला रंग जॉन्डिस में दिखता है। लाल रंग दर्शाता है कि इसमें खून होने की संभावना है जो किडनी के ग्लोमेरुलर जो भाग है उसके डैमेज से होता है। पंकिल यूरिन यह दर्शाता है कि इसमें फॉस्फेट या पेशिंग का यूरिनरी ट्रैक्ट पेशिंग का अस्तित्व है। और रिएक्शन और पीएच के बारे में मैं यह कहूँगा कि पेशाब जैसे ही जमा करते हैं तो नॉर्मल यूरिन का रिएक्शन हमेशा एसिडिक होता है और यह पीएच लगभग 4.8 to 6.8 तक रहता है। अल्कलाइन यूरिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन दर्शाता है। एक बात पर ध्यान दें कि यूरिन जमा करने के बाद आधे घंटे के पहले ही ये रिएक्शन और पीएच का टेस्ट होना चाहिए, नहीं तो बाद में वह माइक्रोबियल ग्रोथ से अल्कलाइन हो सकती है। फिर गंध के बारे में, नॉर्मल गंध से आप परिचित हो और डायबिटीज में अगर नियंत्रण न हो तो इसमें कीटोन बॉडीज जैसे एसीटोन का अस्तित्व होना संभव है और इससे यूरिन का गंध फूटी हो जाता है। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो काफ़ी गंदा स्मेल हो जाता है यूरिन का। फिर नॉर्मल यूरिन में ज़्यादा फॉस्फेट्स हो या पेशी हो तो सेडिमेंट जमा हो सकता है, मगर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो तो भारी मात्रा में सेडिमेंट यहाँ दिखता है। और फिर नॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.015 to 1.030 तक। किडनी के बीमारी में यह स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से कम दिखती है और इसमें अगर ग्लूकोज जैसे घटक मौजूद हो तो डायबिटीज में ये होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030 से ज़्यादा दिखती है। अभी हम चर्चा करते हैं यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये सारे टेस्ट करते हैं यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, शुगर, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, यूरोबिलिनोजन और ऑकल्ट ब्लड। तो इसमें से
एक यूरोबिलिन जिन छोड़ के बाकी कोई भी घटक नॉर्मल यूरिन में नहीं होता है, और यूरोबिलिन जिन भी अगर नॉर्मल मात्रा में प्रेजेंट है तो इसकी कुछ गारंटी नहीं है कि ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा केमिकल मेथड से। और अगर शुगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है पेशेंट को डायबिटीज हुआ है। प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि पेशेंट को शायद रिनल डिजीज हुआ है। कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब भी ये है कि पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट जब भी प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है। और यूरोबिलिन जब प्रेजेंट होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस में, और ऑकलबर्ग प्रेजेंट होता है जब भी रिनल ट्रैक इन्फेक्शन हो या रिनल डिजीज में। यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन के लिए ये सारी जरूरी चीज़ें हैं। टेस्ट ट्यूब्स छोटे साइज और मीडियम साइज के, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, बीकर्स 500 ml के, ग्रेजुएटेड पिपेट्स, पास्चर पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब रैक और सेंट्रीफ्यूज, और रिएजेंट्स बेनेडिक्ट रिएजेंट जो यूरिन शुगर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, सल्फोसैलिसिलिक एसिड प्रोटीन टेस्ट के लिए, रोथेरा पाउडर कीटोन बॉडीज टेस्ट के लिए अलॉन्ग विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फूसेज रिएजेंट यूज होता है यूरिन बाइल पिगमेंट टेस्ट के लिए, सल्फर पाउडर बाइल सॉल्ट टेस्ट के लिए, और अर्लिस रिएजेंट यूज होता है यूरिन यूरोबिलिन टेस्ट के लिए। तो पहले हम करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। इसके लिए एक मीडियम साइज टेस्ट ट्यूब में बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट 5 ml ट्रांसफर करो, फिर उसमें यूरिन के 8 ड्रॉप्स नहीं तो 0.5 ml डाल के मिक्स करो, और ये मिक्सचर फिर बॉईल करो 2 नहीं तो 3 मिनट तक, और फिर कूल करने के बाद में इसका कलर देखो। अगर ब्लू कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इसमें ये यूरिन में शुगर नहीं है, और अगर कलर चेंज होता है जैसे फिगर में दिखाया है वैसे, तो इसका मतलब है कि इसमें शुगर प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट का प्रिंसिपल ऐसा है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट में जो क्यूबिक ऑक्साइड रहते हैं उस पर रिड्यूसिंग सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, विटामिन सी और फ्रुक्टोज जैसे उनका असर होके, और फिर रिडक्शन होके क्यूप्रस ऑक्साइड जो बनता है उससे ये कलर दिखता है। तो इसका कुछ गारंटी नहीं है कि बेनेडिक्ट टेस्ट से ग्लूकोज का परीक्षण हो। तो इसके लिए ग्लूकोज कंफर्म करने के लिए तो यूरिन स्ट्रिप की तो जरूरत है ही, अगर बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आती है तो। यूरिन प्रोटीन टेस्ट के लिए अगर यूरिन स्वच्छ है तो फिगर में दिख रहा है वैसे एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करो। अगर यूरिन धुंधली है तो उसे 3000 RPM से 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करो। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करो, फिर इस पर सल्फोसैलिसिलिक एसिड रिएजेंट के 2 से 3 बूंद डालो। अगर प्रोटीन का अस्तित्व है तो फिगर में दिख रहा है वैसे टर्बिडिटी धुंधलापन दिखता है, और प्रोटीन एसिड से यहाँ डिनेचर होता है इसके लिए। अगर टर्बिडिटी नहीं दिख रही है तो फिर टेस्ट नेगेटिव है। यूरिन कीटोन बॉडी टेस्ट के लिए एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन ट्रांसफर करके उसमें टेस्ट केमिकल मिक्सचर थोड़ी मात्रा में डालो, फिर टेस्ट ट्यूब के बाजू में से अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट डालो। अगर कीटोन बॉडी में से एसीटोन का अस्तित्व है तो फिर टेस्ट ट्यूब के ऊपर वायलेट कलर का रिंग दिखता है, यह एसीटोन और सोडियम नाइट्रोक्साइड के बीच में की रिएक्शन से होता है। यह टेस्ट कीटोन बॉडीज के लिए पॉजिटिव है। और अगर
वायलेट रिंग नहीं दिख रहा है तो यह कीटोन बॉडी टेस्ट नेगेटिव है। यूरिन बायोपिगमेंट टेस्ट के लिए 3 या 4 ml यूरिन एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफर करो, फिर उसमें 10% बेरियम क्लोराइड रिएजेंट डालो और मिक्स करो। यूरिन में सल्फेट होने के कारण बेरियम सल्फेट बनकर पंकिल द्रावण तैयार होता है। यह 1500 RPM स्पीड से सेंट्रीफ्यूज करो या फिल्टर करो और ऊपर का द्रव्य एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में यूरोबिलिनोजन टेस्ट के लिए ट्रांसफर करो। तो फिर फिगर में दिखाया है वैसे प्रेसिपिटेट पर 2 या 3 ड्रॉप फूसेज रिएजेंट डालो। अगर बिलिरुबिन का अस्तित्व है तो रिएक्शन होके हरे रंग का बिलिरुबिन बनता है तो यह टेस्ट पॉजिटिव है। अगर बिलिरुबिन का अस्तित्व यूरिन में नहीं है तो फिर प्रेसिपिटेट का रंग बदलता नहीं है तो यह टेस्ट नेगेटिव है। अब सुपरलेटेंट में जैसे फिगर में दिखाया है वैसे अर्ली रिएजेंट के 0.5 ml ट्रांसफर करो और मिक्स करके अब रंग देखो। रंग में अगर हल्का पिंक रंग डेवलप होता है तो यह नॉर्मल यूरोबिलिनोजन का अस्तित्व दर्शाता है और डार्क पिंक कलर यूरोबिलिनोजन का भारी मात्रा में अस्तित्व प्रकट करता है। अब यूरिन बाइल साल्ट के लिए आप एक मीडियम साइज की ट्यूब ले लो और उसमें यूरिन ट्रांसफर करो और उसके ऊपर थोड़ी सल्फर पाउडर डालो। अगर बाइल साल्ट यूरिन में है तो वह यूरिन का सरफेस टेंशन कम करती है और सल्फर ग्रैनुल्स जो होते हैं वो ट्यूब के नीचे तक चले जाते हैं तो यह टेस्ट पॉजिटिव है बाइल साल्ट के लिए। और अगर सल्फर ग्रैनुल्स यूरिन के ऊपर ही तैर जाते हैं तो यह टेस्ट निगेटिव है। अब यूरिन ओपन ब्लड खून के लिए एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ी बेंजीडिन पाउडर ले लो और उसके ऊपर 2 या 3 बूंद ग्लिसियल एसिडिक एसिड उसके ऊपर डालो, मिक्स करो और लगभग 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इसमें डालो और मिक्स करो। फिर एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन ट्रांसफर करो और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का द्रव्य जो अभी बनाया है वो 0.5 ml ट्रांसफर करो और मिक्स करो। अगर यूरिन में खून है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करके ऑक्सीजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन का बेंजीन के साथ संयोग होकर नीला रंग बन जाता है तो यह टेस्ट पॉजिटिव है। अगर नीला रंग नहीं बनता है तो टेस्ट खून के लिए नेगेटिव है। यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन स्ट्रिप के जरिए 2-3 मिनट में हो जाती है। यह यूरिन स्ट्रिप्स काफ़ी महंगे हैं मगर एकदम सुरक्षित। टेस्ट का निदान एकदम सही और टेस्ट के लिए आरोग्य से बाधित ऐसे केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं होता। इसके सिवा यूरिन सेंट्रीफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं होती। यह स्ट्रिप लैक्टिस से बने हुए होते हैं जिसके अलग अलग भाग पर केमिकल का मिश्रण बद्ध रहता है जो टेस्ट के लिए स्पेसिफिक हो। इस स्ट्रिप से जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो है 1 pH, 2 प्रोटीन, 3 ग्लूकोज, 4 कीटोन बॉडीज, 5 बाइल बिलिरुबिन, 6 ऑकल ब्लड खून, 7 यूरोबिलिनोजन और 8 स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन स्ट्रिप टेस्ट की प्रोसीजर काफ़ी सिंपल काफ़ी आसान है। एक स्ट्रिप यूरिन के अंदर रखो कुछ सेकंड के लिए, फिर बाहर निकलकर बोतल के चार्ट से इसका रंग बदल कंपेयर तुलना करो। जो टेस्ट का रंग बदला है वह टेस्ट पॉजिटिव है और जो टेस्ट का रंग नहीं बदला है वह टेस्ट नेगेटिव है। अब यह देखते हैं कि ये कौन से तत्वों पर प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। पहले प्रोटीन के टेस्ट के भाग में टेट्रा ब्रोमोफेनॉल ब्रू एसिडिक पीएच में बद्ध रहता है। अगर यूरिन में प्रोटीन है तो उसका टेट्रा ब्रोमोफेनॉल ब्रू के साथ रिएक्शन होके पीले रंग से हरे रंग या नीले रंग में परिवर्तन होता है
और यह टेस्ट पॉजिटिव है। अगर पीला रंग नहीं बदलता तो यह टेस्ट निगेटिव है। दो, ग्लूकोज के टेस्ट के भाग में ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज ये एंजाइम्स और पोटेशियम आयोडाइड ये क्रोमोजन रहता है। बाजू में दिखाया है वैसे रिएक्शन से पहले ग्लूकोज ऑक्सीडेज और बाद में पेरोक्सीडेज के रिएक्शन में जो ऑक्सीजन निकलता है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होकर फीका नीला रंग हरा या डार्क ब्राउन कलर में बदल जाता है और ये टेस्ट है पॉजिटिव। अगर फीका नीला रंग नहीं बदलता तो टेस्ट निगेटिव है और यह टेस्ट एकदम ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है। तीन, कीटोन टेस्ट एरिया में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ग्लाइसिन और एक बफर बद्ध रहता है। अगर कीटोन बॉडी से डायसिटिक एसिड या एसिटोन यूरिन में है तो इसका रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से होकर वायलेट रंग बन जाता है। चार, बिग्रुबिन टेस्ट के लिए टेस्ट के भाग में डाइक्लोरो एनिलीन डायजोनियम साल्ट रहता है। अगर बिलिरुबिन यूरिन में है तो उसका रिएक्शन ड्राई डाइक्लोरोएनिलीन डायजोनियम साल्ट के साथ होकर बफ रंग से डार्क पर्पल रंग में परिवर्तित हो जाता है जो बाजू के फिगर में दिखाया है। पाँच, यूरोबिलिन टेस्ट भाग में पैराडाइमिथाइल अमिनोबेंजाल्डिहाइड रहता है। अगर यूरिन में यूरोबिलिन है तो उसका पैराडाइमिथाइल अमिनोबेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होकर ब्राउन से ऑरेंज रंग में परिवर्तन होता है। यूरिन ओकल ब्लड टेस्ट के लिए टेस्ट पार्ट में टेट्रामिथाइल बेंजीडिन और ऑर्गेनिक पेरोक्सीडेज रहता है। अगर यूरिन में खून है तो उसमें के हीमोग्लोबिन के एक्शन से पेरोक्सीडेज का विघटन होकर उससे निकला हुआ ऑक्सीजन टेट्रामिथाइल बेंजीडिन के साथ प्रक्रिया करके हरे रंग से नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। सात, पीएच टेस्ट के लिए दो इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। मिथाइल रेट जिसका पीएच रेंज है 4.4 से लेकर 6.2 तक और रंग बदल है लाल से पीला, और दूसरा इंडिकेटर है ब्रोम फेनॉल ब्लू जिसका पीएच रेंज है 8 से लेके 9.6 तक और रंग बदल है पीले से नीले रंग तक। तो यूरिन के पीएच के मुताबिक स्ट्रिप के रंग में जैसे फिगर में बाजू में दिखाए हैं वैसे बदलाव आता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के भाग में पॉली इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप्स एसिड पीएच में बद्ध रहते हैं और उसके साथ में ब्रोमोफेनॉल ब्लू इंडिकेटर भी रहते हैं। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ती है तो पॉली इलेक्ट्रोलाइट का विघटन ज़्यादा हो जाता है, और जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहती है तो पॉली इलेक्ट्रोलाइट का विघटन कम हो जाता है। फिर इस भाग में जो ब्रोमोफेनॉल ब्लू है उसके साथ रिएक्शन होकर रंग में बदलाव आता है जो बाजू के फिगर में दिखाया है। अब हम चर्चा करते हैं यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे किडनी की बीमारी और बाकी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, अलग अलग प्रकार के जॉन्डिस, अनुवंशिक बीमारियां इत्यादि का निदान एकदम आसान हो जाता है। इस टेस्ट में पेशाब में जमा हुए अति सूक्ष्म घटक जैसे पेशी क्रिस्टल्स सेंट्रीफ्यूज के जरिए अलग करके उसका एक स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप के जरिए परीक्षण किया जाता है। इस टेस्ट के लिए जो जरूरती सामान है वह है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, पास्चर पिपेट्स, सेंट्रीफ्यूज और माइक्रोस्कोप, और सबसे महत्वपूर्ण सवेरे जमा की गई मिडस्ट्रीम यूरिन जो एकदम फ्रेश है और रूम टेम्परेचर में है। प्रोसीजर, पहले यूरिन अच्छी तरह से मिक्स करके उसे एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफर करो जैसे बाजू में दिखाया है वहाँ तक टेस्ट ट्यूब में लेवल होनी चाहिए। फिर इसे 2500 रिवोल्यूशंस पर मिनट स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करो 5 मिनट के लिए, और एक दूसरी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब भी ले लो बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूज में, जिसमें पानी रखो
विरुद्ध जगह। सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद ऊपर का पूरा सुपरनेटन दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करो और नीचे बचा हुआ सेडिमेंट मिक्स करो और सेडिमेंट का एक बूंद एक साफ सुथरे ग्लास स्लाइड पर रखकर उस पर कवर स्लिप रखो। फिर पहले माइक्रोस्कोप के लो पावर में डायफ्राम का पर्दा एडजस्ट करके लाइट कम करके और माइक्रोस्कोप का कंडेंसर एकदम नीचे रखकर इमेज देखो और उसके बाद में कंडेंसर बीच में लेकर हाई पावर से एडजस्ट करो, डायफ्राम भी एडजस्ट करो और जो भी आप दिख रहे हैं इस हाई पावर से नीचे उसका वर्णन करो, हर एक माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र में कितने सेल्स है, क्या क्या दिख रहा है, तो उसका सारा वर्णन लिखो। अभी हम देखते हैं कि यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोप से क्या क्या दिख सकता है। पहले देखते हैं कि नॉर्मल यूरिन में क्या क्या दिखता है। नॉर्मल यूरिन में एक या दो तीन पस सेल्स मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, एक या दो एपिथेलियल सेल्स और थोड़े क्रिस्टल्स दिख सकते हैं। मगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये सारे तरीके के सेल्स भारी मात्रा में दिखते हैं। पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, अलग अलग प्रकार के कास्ट जैसे ग्रैनुलर, हाइलिन, वैक्सी, आरबीसी कास्ट वगैरह, यह सब यूरिनरी ट्रैक से निकलकर पेशाब में आते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी भारी मात्रा में दिख सकते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अगर किडनी में स्टोन पथरी है तो यह क्रिस्टल्स भी भारी मात्रा में दिख सकते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्सालेट, यूरिक एसिड या एमोर्फस क्रिस्टल्स। और आप स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स और ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स पहचानने की प्रैक्टिस जरूर करो। यूरिनरी ट्रैक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया भी दिख सकते हैं यूरिन में और अगर यूरिन ज़्यादा देर तक 4-5 घंटे रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो भी बैक्टीरिया दिख सकते हैं नॉर्मल यूरिन में। फिर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन का इस तरह का रिपोर्ट तैयार करते हैं। आपको यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस इंटर्नशिप में मिल सकते हैं तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल मिस मत करना। तो यह सब टॉपिक हमने यूरिन माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके लिए कवर किए हैं। आप अच्छी तरह से इसे समझ लो और इस विषय पर हमारा एमसीक्यूज का वीडियो भी है हमारे चैनल पर, वो जरूर देखें और एमसीक्यूज सॉल्व करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यह किताबें पढ़ सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करने के लिए बिल्कुल मत भूलना। अगली बार हम आपके लिए लेके आएंगे और एक विषय पर नया ऑनलाइन वीडियो। तब तक गुड बाय।